नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरदयाल है और आप देख रहे हैं सुपर ज्ञान चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से व्हाट्सएप में अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रख सकते हैं। इसका फुल प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो व्हाट्सएप में अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहाँ देख सकते हैं थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन खुल के आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पर आपको ये न्यू पहला ऑप्शन जो दिया गया है, न्यू ग्रुप, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें आपको जो कॉन्टैक्ट में जितने भी व्हाट्सएप में ऐड होंगे वो सभी कॉन्टैक्ट आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना एक कॉन्टैक्ट किसी को भी ऐड कर लेना है। तो मैं, चलिए मैं कर लेता हूँ ऐड। करने के बाद नीचे जो ये तीर का निशान है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से यहाँ आपको सब्जेक्ट देना है, तो आप यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो नाम आपको पसंद हो दे सकते हैं। चाहे माई फाइल के नाम से भी इसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें फाइल सेव करने वाले हैं, तो माई फाइल के नाम से भी आप सेव कर सकते हैं। और बाकी आप चाहे तो कुछ और नाम भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने यूट्यूब, माई यूट्यूब लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो निशान है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए हमारा ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसमें और भी काम करना है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे ऊपर जो यहाँ पे क्लिक करना है, माय यूट्यूब पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे की ओर जाएंगे। नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल एक ही कॉन्टैक्ट मेरे में ऐड किया गया है और बाकी यहाँ पे ऐड और भी कॉन्टैक्ट। इसमें केवल हमें अपने पर्सनल फाइल सेव करके रखना है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट को हटा दिया जाए, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। उसके बाद यहाँ हम नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है रिम्यूव, तो यहाँ पर रिम्यूव वाले बटन पर, रिम्यूव जो कॉन्टैक्ट है यहाँ पर बटन पर क्लिक करके इसको रिम्यूव कर देंगे। रिम्यूव करने के बाद ओके कर देंगे। अब हमारा जो कॉन्टैक्ट ऐड था वो हट चुका है। अब इसमें केवल केवल आपका ही जो कॉन्टैक्ट होगा वही दिखाई देगा, जो एडमिन होगा वही दिखाई देगा। अब आप कुछ भी जब इसमें डालेंगे तो किसी और के पास नहीं जाके आपके पास ही ये फाइल रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से एक फाइल बन चुका है हमारे पास। और यहाँ पे फाइल बनने के बाद अब यहाँ पे आपको कुछ भी ऐड करना हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। कैसे लगा लीजिए, मैं आप कोई डॉक्यूमेंट इसमें डाल के दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं कि ये फाइल आ चुका है और ये फाइल सेव हो चुका है। ये फाइल किसी और के पास नहीं गया है, केवल ये एक ही कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, तो केवल कॉन्टैक्ट जो यू, तो केवल मैं ही इसके अंदर हूँ, तो मेरे पास ये फाइल रह जाएगा। तो इस तरह से बड़े आसानी से आप अपने फाइल को व्हाट्सएप में सेव करके रख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य लोगों तक भी यह जानकारी पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।